तो जी सुबह के अभी हो रहे हैं 6, आज भाई को छोड़ने जाना है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो मैं उठकर तैयार हो जाता हूँ। हाँ जी, तो आपका भाई रेडी हो चुका है कंप्लीट। तो ये वही शर्ट लगाई है मैंने और पैंट भी वही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे पास पैंटें नहीं पड़ी, पैंटें हैं, मगर पसंद मुझे यही है और शर्ट भी मुझे यही पसंद है। तो अभी निकलते हैं हम, इंशाल्लाह हम मोटरवे से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चले फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हम इधर एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं और अभी भाई को हम इधर अंदर बोर्डिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे से क्या होता है। पहले हम टिकट करवाए थे वज़ेबी के, मगर वहाँ के कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि फ़्लाइट्स पाकिस्तान से नहीं जा रहे, तो हमने फिर शारजाह करवाया, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अप्रूव हो जाए, तो वरना यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ देर तक हमें। तो चलें आप लोगों को एरोप्लेन बताता हूँ, कभी मैंने बैठा नहीं उसमें, मगर आप लोगों को आज दूर से बता देता हूँ। हवाओं में उड़ता तो देखा है हमने काफ़ी मरतबा, छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, मुझे लगता है बस होती वो बड़ी होती है। ये वहाँ भी मेरी तरह ही है, प्लेन का भी देखा नहीं है तो खड़े होकर देख रहे हैं, साथ ऐसा भी है हम यहाँ पर टाइम भी पास कर रहे हैं। तो टाइम पास इसलिए कर रहे हैं कि भाई बस जब भाई की कॉल आ जाए कि वो अप्रूव हो चुके हैं जा रहे हैं, तो हम भी घर के लिए निकले। हाँ जी, हो गए अप्रूव, हो गए, ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड जर्नी यार। चलें यार, शुक्र है जाने दे दिया गया भाई को, अभी बस वो भी निकल जाएंगे। तो अभी मैं भी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया यार, हवा चल गई। इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा हमारा इधर, तो वो भी मज़ा आएगा। तो चलें अभी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। पुर पहुँच जाए इधर, और इधर ऐसा हुआ ना कि यहाँ पर वो एहतजाज स्टार्ट कर दिया, वही क्या कहते हैं हादम रिजवी की बेटी की वजह से ना, तो उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गए, तो हम यहाँ पर 2-3 घंटे से हमारी बुर में ही हैं, और गाड़ी के थोड़े बहुत काम निकल गए थे तो वो हम ठीक करा रहे हैं।